अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, बस अजान होने ही वाली है। कोई प्लान नहीं था मेरा कि मैं कोई बनाऊं वीडियो, लेकिन ये झंडियां देख के और ये झंडा देख के मैंने सोचा कि चलो दो बातें ही कर लेते हैं। अब 14 अगस्त गुजरे तो काफ़ी दिन हो गए हैं और ये झंडियां बिल्कुल गिरने को बेताब हैं और बेकरार हैं, और झंडा भी जो है बेचारा थोड़ा ख़राब सा हो गया वह। तो बात यह है कि अब हटा लें अपने झंडे झंडियाँ जहाँ हैं, नहीं तो ये सब कुछ ज़मीन पे गिरेगा। बस यही मेरा पैगाम है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लॉन है इन लोगों ने रखा हुआ। लॉन हो तो ऐसा हो, है ना, शौक की बात है। कितना साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन्ड है। ये देखिए कितना प्यारा पौधा है, इसमें कितने प्यारे शेड्स हैं, है ना। और ये देखिए, आपको पता है मनी प्लांट को अगर ऐसे लगा दें ज़मीन में और कोई दरख्त उसको सहारा और हौसला दे देना, तो फिर ये देखिए ऐसे ही वो फलता फूलता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान को सहारा और हौसला मिले तो वो भी फलता फूलता है, है ना। कुछ उसकी ताकत ले लेता होगा, कुछ अपनी ताकत के बल बोते पे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। कितना खूबसूरत है और कितने प्यारे शेड हैं इसके भी। ये देखिए डिफरेंट, ये नया नया निकला है, ताज़ा। ये थोड़ा पुराना है तो थोड़ा पीला हो गया है, है ना। ये उसके बेबीज हैं, समझें आप, नए निकले हैं। जैसे इंसान बूढ़ा हो के और बुज़ुर्ग हो के थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। है ना जी। और बाकी यहाँ पर बड़े खूबसूरत फूल भी हैं। ये देखिए ये रेड वाला फूल कितना प्यारा है, और ये पीछे भी फूल, और वो पीछे पर्पल फूल झांक रहा है। और बहुत ही जो है ना सुहाना मौसम है। और वो देखिए एक जहाज़ भी आ रहा है। ले जी, मेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई, जहाज मैंने कैप्चर कर लिया। एंड आई लव जहाज, है ना, खूबसूरत लगते हैं। जब भी जहाज़ों को देखो ना तो जहाज़ अच्छे ही लगते हैं। और लाइटें ऑन हो चुकी हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। और बाकी ये है ज़िंदगी यहाँ। इधर भी इन्होंने कासिया नडोसा लगाया हुआ है और ख़ूबसूरत लग रहा है। और ये यहाँ पर एक खातून है जो कचरे में से कुछ निकाल रही हैं अपने लिए। तो ये भी एक काम है जो ये लोग करते हैं और इसी तरह अपनी ज़िंदगानी गुजारते हैं। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जो है ना कलियाँ निकली हुई हैं जी। तो ये है सारा समा। और मगरिब के लिए अब लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, गेट खुल के थोड़े बहुत लोग जो हैं जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी झंडा लगा हुआ है। तो बराए मेहरबानी अब झंडे उतार लें, इनको लपेट लें साफ़ सुथरा करके, इंशाल्लाह ताला अगले साल काम आएंगे, ठीक है ना जी। हाँ, झंडे को इज्जत दें, वकार दें और प्यार दें, बस यही कहना था। और बाकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, ये देखिए जी। अब तो बस शाम हो गई है, यहाँ पर सफाई हो रही है। लॉन को अभी साफ़ किया गया है, लॉन मूविंग की गई है, और मेहनती आवाम मेहनत कर रही है जी। देखिए यहाँ पर भी एक झंडा लगा हुआ है, ये देखिए गिर पड़ रहा है तकरीबन, तो ये तो उतार लेना बराह मेहरबानी। अपने अपने झंडे हटा लीजिए अब और उनको समेट के रख लें, ठीक है ना। ये देखिए ये घर बड़ा मुझे अच्छा लगता है, आपको भी दिखा दूँ यहाँ से। इन्होंने ताज़ा इसको पेंट किया हुआ है, और जो मैं रोज़ गुजरती हूँ ना तो मेरे दिल को मज़ा आता है। इन्होंने ऊपर भी देखें कितने खूबसूरत तरीके से ना पौधे निकाले हुए, उनकी ग्रिल से बाहर निकल के झांक रहे हैं जी। हाँ, और वो कौवा और बुलबुलें भी बैठी हुई हैं वहाँ पर। और इनका ये दरख्त भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। इन्होंने बड़ा अच्छा रखा हुआ है अपने लॉन को, तो अच्छे लॉन देख के अच्छा लगता है। ये देखिए इनके पौधे कितने खूबसूरत हैं और बड़े ही खूबसूरत। ये देखिए इसके पत्ते कितने प्यारे हैं, जैसे कटिंग की हो, एक एक ज़र्रा जो है ना साइडों पे इसका जैसे कटिंग करके रखा हो, अल्लाह की शान। और कैसे कलरफुल से सारे ये पत्ते हैं, और ये इसके अंदर एक और पौधा है जिसके, ये देखिए कितने प्यारे पत्ते हैं, कलर्स देखे हैं। और ये भी देखिए, और पीछे नींबू है जो कि फुल ऑफ नींबूज है। और इधर ये केले का दरख्त है, केले अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है कि अभी आजकल मौसम ना हो। और केले के बेबीज़ बहुत सारे फिर निकल आते हैं, देखिए कितने सारे निकले हुए हैं जी। हाँ, तो ये ज़बरदस्त मज़ेदार सा घर है, और इनके बड़े मज़ेदार से पौधे हैं सारे। गमले भी इन्होंने देखे कितने करीने से रखे हुए हैं, है ना, करीना कितना अच्छा लगता है।
पौधों में तो कहीं ऐसे भी लगा दें ना, जंगल नुमा भी उगाएं तो अच्छे लगते हैं। और ये देखिए ये पिंक कलर कितना प्यारा है, सिंपल सादा सा फूल है लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी बहार देता है जहाँ पर ये लगा हो। और इसके साथ का ही तकरीबन ये पर्पल फूल है, ये भी बड़ा खूबसूरत है ना। तो ये है, मैंने कहा आपको चलें दिखा देती हूँ, छोटी सी एक वीडियो बना लेती हूँ और आपको दिखा दूँगी। काफ़ी दिनों से मैंने वॉक की वीडियो बनाई कोई नहीं, गर्मी थी और बस फिर ऐसे ही नहीं बनाई। तो बस ये है आज की सारी कहानी। एक ये दरख्त होता है, इसे क्या बॉटल ब्रश कहते हैं, वो जो बॉटल साफ़ करने का ब्रश नहीं होता, वो इसी को देख के ना बनाया गया है यकीनन, है ना। तो अगर हम इसको तोड़ के इससे हम बोतलें साफ़ कर लें, नहीं भाई नहीं हो सकता। बहरहाल ये देखिए ये भी बड़ा खूबसूरत पौधा है रेड कलर का। और एक और जहाज़ की भी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे जहाज़ की आवाज़। और जहाज़ को मैं ढूंढूं कहीं से मुझे मिल जाए तो, पर नहीं मिलेगा लगता है, वो इस घर के पीछे से जा रहा है। कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, नज़र आ जाओ। नहीं, निश्ता निश्ता, हाँ जहाज़ कहाँ हो तुम। चलें खैर हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। तो बस ये है सारी सूरत हाल। और बस अब शाम हो गई है, परिंदे भी आ गए हैं घरों को और हम भी जाते हैं घरों को। ये जा रहे हैं देखिए नमाज पढ़ने, इतने सारे घरों में से कितने थोड़े लोग निकलते हैं नमाज पढ़ने। तो नमाज पढ़िए, खुद जाइए, बच्चों को भी साथ लेके जाइए ज़रूर। क्या यहाँ पर और लोग नहीं बसते, यहाँ पर किधर है दुनिया वाले, नमाज के लिए क्यों नहीं जा रहे। ये देखिए ये भी बड़ा खूबसूरत है, ये दरख्त, ये परिंदा एक तिनका लेके जा रहा है, बहुत बड़ा सा, अपना घर बनाना होगा है ना, इसीलिए तो लेके जा रहा है। तो ये सब ने भी तिनके तिनके जमा करके अपने घर बनाए हुए हैं। तो किसने मदद की है, अल्लाह ताला ने, तो हमें उसे याद करना चाहिए ना, उसका जिक्र करना चाहिए है ना। तो नमाज तो ज़रूरी है। और ये देखिए प्यारी सी दो बिल्लियाँ बैठी हुई हैं जी, क्या हाल है आपका, इंजॉय कर रही हैं लाइफ, चलें इंजॉय कीजिए, ठीक है ना। आप तो बहुत वीक ही हैं, आपको खाना नहीं मिलता, ज़्यादा ज़्यादा खाया करें, अच्छा डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओ नींद आ रही है, ओके ओके, लेजी लेजी पड़ी हुई है, चले इंजॉय करें, कोई बात नहीं। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं दरख्तों में से। और ये देखिए यहाँ भी झंडे का क्या हाल है, ये देखिए ना, नीचे तक आया हुआ बेचारा, इट्स बैड एंड सैड सिचुएशन। और ये किसी ने तोरियाँ लगाई हुई हैं, तोरियाँ कद्दू लगाए हुए हैं, उसकी बेलें कितनी दूर दूर तक फैल गई हैं। कद्दू शद्दू इसके अंदर है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन फूल तो काफ़ी खिले हुए हैं और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कद्दू निकल ही आएंगे और मिल ही जाएंगे, है ना। यहाँ पर किसी ने गन्ने भी लगाए हुए हैं, हाउ नाइस, गन्ने तो हो जाते होंगे बड़े आराम से। ये देखिए ये गन्ने हैं, दो चार ही लगाए हुए हैं लेकिन बड़े अच्छे फल फूल गए हैं, बस यहाँ इन्होंने लगा दिए। और ये यहाँ पर कलियाँ भी हैं, ये देखिए कितना प्यारा फूल है और छोटी छोटी कलियाँ भी हैं। और ये भी मज़ेदार पौधा है, बहुत सारा लगाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर थोड़े से गुलाब भी हैं। बस ये परिंदे वापस आ रहे हैं और लाइट्स ऑन हो गई हैं और हम भी अब चलते हैं, अब बस नमाज पढ़ते हैं। तो ख्याल कीजिए बस, जहाँ जहाँ पे झंडे लगाए हुए हैं अब उनको हटा लीजिए। जी आपका क्या हाल है, ये मुझे सूरजमुखी बड़े प्यारे लगते हैं, लॉस्ट लॉस्ट से शाम को, कि सन तो है नहीं, हम मुंह किधर करें, जहाँ मर्जी करें आप मुंह, आपका अपना मुंह है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, नमाज ज़रूर पढ़ें और अल्लाह को ज़रूर याद करें, तो ये बात तो है ना। बाकी यहाँ पर हम चलते हैं, एक झंडा उधर भी नज़र आ गया, बल्कि दो झंडे नज़र आ गए। ओहो ये झंडे हटा दीजिए प्लीज़, बराए मेहरबानी, वो देखिए ऊपर से नीचे तक आ गया हुआ है बेचारा खिसक के। बस हम लगा तो देते हैं जोश में, जाके ले भी आते हैं और उसके बाद जो है उसका ख्याल ही नहीं रखते, तो ये तो न्या करें ना, ठीक है। हाँ जी आज आपने अपने झंडे उतार लेने हैं और अपने हमसायों को और आगे पीछे भी कह देने हैं।
ठीक है, ज़रूर कहना है। अरे ये खूबसूरत बोगनविला है इनका, और आवाज़ें आ रही हैं इतनी प्यारी, है ना, चिड़ियाओं की। खुश हैं चिड़ियाएँ, शाम को अपने अपने घरों में जाने के लिए खुश है। और लाइट्स यहाँ ऑन हो गई हैं, उन्होंने खूब सारी लाइट्स ऑन की हुई हैं, इन दो घरों ने खूब सारी लाइट्स ऑन की हुई हैं। ये देखिए बाहर कितनी सारी लाइट्स हैं, और अंदर भी लाइट्स हैं, और लाइट्स ही लाइट्स हैं, पैसा बड़ा है। चलें जी, खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, आज़ाद रहें। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, तो हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें थानों की, है ना। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, और अजान शुरू हो गई है, और मैं भी अब घर की तरफ रवानदवा हूँ। ये जो अजान की आवाज़ है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। एक छोटा बच्चा है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, बिल्कुल छोटा सा। अब बताइए, ऐसे बच्चों को मोटरसाइकिल दे देते हैं, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो फिर क्या होता है। मैंने कई दफ़ा हैं लोगों को रोका है और उनको समझाने की कोशिश की है, पर क्या करें। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।